एक विंश खंड सर्व विषयक साम की उपासना त्रय विद्या इंकार है, ये तीन लोग प्रस्ताव है। अग्नि वायु और आदित्य ये उद्गीत है, नक्षत्र बक्षी और करण है, किरण ये प्रतिहार है, सर्प गंधर्व और पितृगण ये निधन है, ये सामोपासना सब में अनुष्ठित है। त्रय विद्या इंकार है, त्रैविद्या अग्नि आदि का कार्य है, ऐसी श्रुति होने के कारण त्रय विद्या अग्नि आदि सामोपासना के पश्चात कही गई है। संपूर्ण कर्मों के आरंभ में होने के कारण त्रय विद्या इंकार है, इसके कार्य होने के कारण ये तीन लोक उसके पश्चातवर्ती है, अतः ये प्रस्ताव है। उत्कृष्टता के कारण अग्नि आदि का उद्गितत्व बतलाया गया है तथा व्रतिहंत होने के कारण नक्षत्रादि की प्रतिहरता है और धकार में समानता होने के कारण सर्पादि का निधत्व बतलाया गया है। ये साम किसी नाम विशेष का अभाव होने के कारण ये साम समुदाय यथार्थ साम शब्द सब में अनिश्चित है। त्रय विद्या आदि ही सब कुछ है तथा त्रय विद्या आदि दृष्टि से ही इंकार आदि साम भक्तियों की उपासना करनी चाहिए। पीछे बतलाई हुई साम उपासनाओं में भी जिन जिन में जो जो काम जो जो साम अनुचित है इन त्रय विद्या आदि की दृष्टि से ही उसकी उपासना करनी चाहिए। जैसे आज्य संस्कार युक्त होता है उस प्रकार सभी कर्मांग दृष्टि विशेष से ही संस्कार किए जाने योग्य है। सर्व विषयक साम के विद्वानों को मिलने वाला फल वह जो इस प्रकार सब में अनुच्युत इस सब साम को जानता है सर्वरूप हो जाता है, सर्व हो जाता है अर्थात सर्वेश्वर हो जाता है, क्योंकि सर्वभाव का उपचार हुए बिना संपूर्ण दिशाओं में स्थित पुरुषों से बलि प्राप्त होना संभव नहीं है। सर्व विषयक साम की उपासना उत्कर्ष इसी विषय में ये मंत्र भी है जो पांच प्रकार के तीन तीन बतलाए गए हैं उनसे श्रेष्ठ तथा उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। इस अर्थ में यह श्लोक यानी मंत्र भी है। इंकार आदि विभागों द्वारा जो पांच प्रकार से बताए हुए तीन तीन है यानी त्रय विद्या आदि है उन पांच त्रिकों की अपेक्षा उत्कृष्ट महान और उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसका तात्पर्य यथार्थ उन्हीं में संपूर्ण वस्तुओं का अंतर्भाव हो जाता है। जो उसे जानते हैं वह सब कुछ जानता है, उसे सभी दिशाएं बलि समर्पित करती है। मैं सब कुछ हूँ इस प्रकार उपासना करे यह नियम है। जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक साम को जानता है वह सबको जानता है अर्थात वह सर्वज्ञ हो जाता है, संपूर्ण दिशाओं में स्थित पुरुष इस प्रकार जानने वाले इस उपासकों के प्रति बलि यानी भोग उपस्थित करते हैं अर्थात उसे भोगों की प्राप्ति कराते हैं। मैं सब कुछ हूँ इस प्रकार इस साम की उपासना करे उस उपासक के लिए यही नियम है। ये जो द्विरिप्त है वह सामोपासना की समाप्ति के लिए ही है। इति छंदोपनिषद द्वितीय अध्याय कविश्वभाष्य संपूर्णम्। द्वाविंश खंड विनर्दिगुण विशिष्ट साम की उपासना। सामोपासना के प्रसंग से उद्गाता को गान विशेषतादि संपत्ति का उपदेश किया जाता है क्योंकि इससे फल विशेष का संबंध होता है। साम के विनर्दि नामक गान का वर्णन करता हुआ पशुओं के लिए हितकर है और अग्निदेवता संबंधी उद्गित है। प्रजापति का उद्गित अनुरक्त है, सोम का निरक्ति है, वायु का मृदल और सलक्ष्य मतलब सरलता से उच्चारण किए जाने योग्य है। इंद्र का सलक्ष्य और बलवान है, बृहस्पति का कौंच मतलब कौंच पक्षी के शब्द के समान है और वरुण का अपध्वाद मतलब भ्रष्ट है। इन सभी उद्गातों का सेवन करे, केवल वरुण संबंधी उद्गात का ही परित्याग कर दे। विनर्दि जिसका नर्दन यानी स्वर विशेष बैल के शब्द के समान विशिष्ट है वह विनर्दि गान है। यह गान शब्द वाक्य शेष है, वह विनर्दि गान पशुओं के लिए हितकर और अग्निदेवता संबंधी उद्गित उद्गान है। इस प्रकार के उस विशिष्ट साम का मैं वर्णन करता हूँ यथार्थ उसके लिए प्रार्थना करता हूँ इस प्रकार कोई यजमान अथवा उद्गाता मानता है। प्रजापति का जो गान विशेष है वह अनुरक्त है यथार्थ अमुक के तुल्य है। इस प्रकार विशेष रूप से
निरूपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रजापति भी विशेष रूप से निरूपित नहीं किया जाता। सोम का यथार्थ सोम देवता संबंधी जो उद्गीत है वह निरुक्त यानी स्पष्ट है। गान जो गान मृदु और सलक्ष है वह वायु का यानी वायु देवता संबंधी है। जो सलक्षण और बलवान यानी अधिक प्रयत्न की अपेक्षा वाला है वह इंद्र का यानी इंद्र संबंधी गान है। जो कौंच यानी कौंच पक्षी के शब्द के समान है वह बृहस्पति का यानी बृहस्पति देवता संबंधी गान है। अपध्वान अर्थात फूटे हुए कांसे के स्वर के समान जो है वह वरुण देवता संबंधी गान है। उन सभी का सेवन यथार्थ प्रयोग करे, एकमात्र वरुण संबंधी गान का ही त्याग करे। स्तवन के समय ध्यान का प्रकार मैं देवताओं के लिए अमृत्व का आगान मतलब साधन करूँ। इस प्रकार चिंतन करते हुए आगान करे। पवित्र गण के लिए स्वधा मनुष्यों के लिए आशा मतलब उनकी इष्ट वस्तुओं, पशुओं के लिए तृण और जल, यजमान के लिए स्वर्गलोक और अपने लिए अन्न का आगान करो। इस प्रकार इनका मन से ध्यान करते हुए प्रमाद रहित होकर स्तुति करें। मैं देवताओं के लिए अमृत्व का आगान साधन करो, पितृगण के लिए स्वधा का आगान करो, मनुष्यों के लिए आशा यानी प्रार्थिक वस्तुओं का साधन करो, पशुओं के लिए तृण और जल, यजमान के लिए स्वर्गलोक और अपने लिए अन्न का आगान करो। इस प्रकार इन बातों का मन से ध्यान चिंतन करते हुए स्वर उष्म और व्यंजनादि के उच्चारण में प्रमाद रहित होकर स्तुति करे। स्वरादि वर्णों की देवत्व का संपूर्ण स्वर इंद्र के आत्मा है, समस्त उष्ण वर्ण प्रजापति के आत्मा है, समस्त स्पर्श वर्ण मृत्यु के आत्मा है। इस प्रकार जानने वाले उस उद्गाता को यदि कोई पुरुष स्वरों के उच्चारण में दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे कहे कि मैं इंद्र के शरणागत हूँ, वही तुझे इसका उत्तर देगा। अकारादि संपूर्ण स्वर बल ही जिसका कर्म है उस इंद्र यानी प्राण के आत्मा यथार्थ देह देहावय स्थानीय है। स स स ह आदि समस्त उष्ण वर्ण प्रजापति के यथार्थ विराट या कश्यप के आत्मा है। क आदि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक संपूर्ण स्पर्श वर्णी यानी व्यंजन मृत्यु के आत्मा है। इस प्रकार जानने वाला उद्गाता को यदि कोई पुरुष स्वरों में उपालब्ध दे तूने दोष युक्त स्वर का प्रयोग किया है, इस प्रकार उपालब्ध देने जाने पर वह उसे ये उत्तर दे कि स्वरों का प्रयोग करते समय मैं इंद्र यथार्थ प्राण रूप ईश्वर के शरणागत आश्रित था, अतः तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा वह इंद्रदेव ही देगा। और यदि कोई उसे उष्ण वर्णों के उच्चारण में दोष प्रदर्शित करे तो उससे कहे कि मैं प्रजापति के शरणागत था, वही तेरा मर्दन करेगा। और यदि कोई उसे स्पर्शों के उच्चारण में उहला देगी तो उससे कहे कि मैं मृत्यु की शरण को प्राप्त था, वही तुझे दग्ध करेगा। और यदि इस प्रकार कोई पुरुष उसे उष्ण वर्णों के उच्चारण में दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे कहे कि मैं प्रजापति की शरणों को प्राप्त था, वही तुझे पीसेगा यथार्थ तेरे मद को अच्छी तरह चूर्ण करेगा। और यदि कोई इसे स्पर्शों के उच्चारण में उला न दे तो उससे कहे कि मैं मृत्यु के शरणागत था, वही तुझे दग्ध यानी भस्मीभूत करेगा। वर्णों के उच्चारण काल में चिंतनीय संपूर्ण स्वर घोषयुक्त और बलयुक्त उच्चारण किए जाने चाहिए, अतः उसका उच्चारण करते समय मैं इंद्र के बल का आधान करूँ ऐसा चिंतन करना चाहिए। सारे उष्ण वर्ण अग्रस्त अनिरस्त एवं विवृत रूप से उच्चारण किए जाते हैं, अतः उसे बोलते समय ऐसा चिंतन करना चाहिए कि मैं प्रजापति को आत्मदान करूँ। समस्त स्पर्श वर्णों को एक दूसरे से तनिक भी मिलाए बिना ही बोलना चाहिए और उस समय मैं मृत्यु से अपना परिहार करूँ ऐसा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये स्वरादि इंद्रादि रूप है, अतः संपूर्ण स्वर घोषयुक्त और बलयुक्त बोले जाने चाहिए तथा उस समय मैं इंद्र में बल का आधान करूँ ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार समस्त उष्ण वर्ण अग्रस्त भीतर बिना प्रवेश कराए हुए, अनिरस्त बाहर बिना निकाले हुए और विवृत मतलब
विवृत प्रयत्न से युक्त उच्चारण किए जाने चाहिए और उसका उच्चारण करते समय मैं प्रजापति को आत्मदान करूँ ऐसा चिंतन करना चाहिए तथा संपूर्ण स्पर्श वर्ण लेश मात्र थोड़े से भी अनभिनिहित अनभिनिहित परस्पर बिना मिले हुए बोलने चाहिए और उस समय वह चिंतन करना चाहिए कि जिस प्रकार लोग धीरे धीरे बोलो बालकों को जल आदि से बचाते हैं उसी प्रकार मैं अपने को धीरे धीरे मृत्यु से हटाओ। इति छांदोपनिषद द्वितीयाध्याय द्वादश खंड पाश्यम संपूर्णम। त्रयोविंश खंड तीन धर्म स्कंद। ओंकार उपासना का विधान करने के लिए त्रयो धर्म स्कंदा इत्यादि प्रकरण का आरंभ किया जाता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एकमात्र साम के अवयवभूत उद्गीथादि रूप ओंकार की ही उपासना से फल की प्राप्ति होती है तो फिर क्या बात है। ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं जो इस सभी सामोपासनाओं और कर्मों से भी अप्राप्य है वह अमृतत्व स्वरूप फल केवल ओंकार उपासना से ही प्राप्त हो जाता है। अतः उसकी स्तुति के लिए सामोपासना के प्रकरण में उसका उल्लेख किया जाता है। धर्मों के तीन स्कंद मतलब आधार स्कंद है यज्ञ अध्ययन और दान। ये पहला स्कंद है। तब ही दूसरा स्कंद है आचार्य कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी जो आचार्य कुल में अपने शरीर को अत्यंत क्षीण कर देता है। तीसरा स्कंद है ये सभी पुण्यलोक के भागी होते हैं ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित चतुर्थाश्रमी सन्यासी अमृत को प्राप्त होता है। धर्मस्कंद धर्म के स्कंद यानी धर्म के विभाग त्रयः यथार्थ तीन संख्या वाले हैं वे कौन से हैं। इस पर कहते हैं यज्ञ अग्निहोत्र आदि अध्ययन नियम पूर्वक ऋग्वेद आदि का अभ्यास और दान वेदी के बाहर भिक्षा मांगने वाले को यथाशक्ति दान देना। इस प्रकार यह पहला धर्म स्कंद है। यह धर्म गृहस्थ धर्म संबंधी होने के कारण उसके साधक गृहस्थ रूप से उसका निर्देश किया जाता है। यह प्रथम शब्द का अर्थ एक है श्रुति में द्वितीय तृतीय शब्द होने से इसका प्रयोग अर्ध अर्थ में कही नहीं किया गया। तप ही दूसरा धर्म स्कंद है। तप इस शब्द से कृच्छ चंद्रायण समझने चाहिए यदि उनसे युक्त तपस्वी या परिवाज्य ब्रह्मनिष्ठ नहीं बल्कि जो केवल आश्रम धर्म में ही स्थित है क्योंकि श्रुति ने ब्रह्मनिष्ठ के लिए तो अमृतत्व की प्राप्ति बताई है। ये दूसरा धर्मस्कंद है जिसका स्वभाव आचार्य कुल में निवास करने वाला है और वह आचार्य कुलवासी ब्रह्मचारी जो कि अत्यंत यथार्थ यावत जीवन अपने को नियमों द्वारा आचार्य कुल में ही अवसन करता रहता है यानी अपने देह को क्षीण करता रहता है। तीसरा धर्मस्कंद है अत्यंतम इत्यादि विशेषणों से यह जाना जाता है कि यह नैष्टिक ब्रह्मचारी अभिप्रीत हैं क्योंकि उपकुवाण ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य स्वाध्याय के लिए होने से उसके द्वारा पुण्यलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सभी यथार्थ तीनों आश्रम वाले उपयुक्त धर्मों के कारण पुण्यलोक के भागी होते हैं जिन्हें पुण्यलोक प्राप्त हो ऐसे ये आश्रमी पुण्यलोक कहलाते हैं। इससे बचा हुआ जिसका यह उल्लेख नहीं किया गया वह चतुर्थ परिवाज्य ब्रह्म संस्था ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित होकर अमृत को पुण्यलोक से भिन्न आत्यंतिक अमरण भाव को प्राप्त हो जाता है। वेदादिक के अमृत्व के समान उसका अमृत्व अपेक्षित नहीं होता क्योंकि यहाँ पुण्यलोक से अमृत्व का पृथक विभाग किया गया है। यदि पुण्यलोक का अतिशय मात्र मतलब अधिकता ही अमृत्व होता तो पुण्यलोक रूप ही होने के कारण इसका उससे पृथक वर्णन नहीं किया जाता। अतः पृथक उपदेश किया जाने के कारण यह अत्यंतिक अमृत्व की ही अभिप्रेत है ऐसा जाना जाता है। यह जो आश्रम सधर्मों के फलों का उल्लेख किया है वह
प्रणवोपासना की स्तुति के लिए ही है, उसके फलों का विधान करने के लिए नहीं। परंतु यदि ये कहा जाए कि ये वाक्य प्रणव सेवा की स्तुति के लिए और आश्रम धर्म के फल का विधान करने के लिए भी है, तो वाक्य भेद हो जाएगा। अतः ये मंत्र स्मृति प्रतिपादित आश्रम फल के अनुवाद द्वारा प्रणव सेवा का फल अमृतत्व है, ये बतलाता हुआ प्रणवोपासना की ही स्तुति करता है। जिस प्रकार कोई कहे कि पूर्ण वर्मा की सेवा भोजन वस्त्र मात्र फल देने वाली है और राज वर्मा की सेवा राज्य के समान पूर्ण राज्य के समान फल देने वाली है, उसी प्रकार यह समझना चाहिए प्रणव ही यह सत्य ब्रह्म परब्रह्म है, क्योंकि यह उसका प्रतीक है। कठोपनिषद में ये अक्षर ही ब्रह्म है, ये अक्षर ही पर है इत्यादि श्रुति होने से उसकी सेवा द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होना उचित ही है। यह कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस मंत्र में ये सभी पुण्यलोक के भागी होते हैं, इस वाक्य द्वारा ज्ञान रहित चारों ही आश्रमियों को समान रूप से अपने अपने धर्मों का पालन करने से पुण्यलोक की प्राप्ति बताई गई है, इनमें परिवाजक को भी छोड़ा नहीं है। परिव्राज्य के भी ज्ञान यम और नियम ये तप ही है, अतः तप ही दूसरा धर्मस्कंध है। इस वाक्य में तप शब्द से परिवाज्यक और वानप्रस्थ दोनों का ग्रहण किया गया। है अतः उन चारों ही में जो ब्रह्मनिष्ठ प्रणवोपासक होता है वही अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इन चारों का ही अधिकार समान है और ब्रह्मनिष्ठ में भी उसी का प्रतिषेध नहीं किया गया, क्योंकि अपने अपने कर्मों के अनुसार से अवकाश मिलने पर सभी को ब्रह्म में स्थित होने का सामर्थ्य होना संभव है। इसके सिवा यम और वरा आदि शब्दों के समान ब्रह्मस्थ शब्द परिवाज्य के भी रूढ़ भी नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रह्म में स्थिति रूप निमित्त को लेकर ही प्रवृत्त हुआ है। रूढ़ शब्द किसी निमित्त को स्वीकार नहीं करते और ब्रह्म में सभी की स्थिति होनी संभव है, तो जहाँ जहाँ भी ब्रह्म में स्थिति रूप निमित्त है उसी उसी निमित्तवान का वाचक होने से ब्रह्मसंस्त शब्द केवल परिवाक्त का ही वाचक है। ऐसे संकोच का कोई कारण न होने से उसे उसी अर्थ में निरुद्ध करना उचित है। उसके सिवा परिवाज्य संन्यास आश्रम धर्म मात्र से भी अमृतत्व का प्राप्त होना संभव नहीं, क्योंकि इससे ज्ञान की निरर्थकता का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। यदि कहो कि परिवाज्य धर्म सहित ही ज्ञान अमृतत्व का साधन है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि आश्रम धर्म तत्व में अन्य आश्रमों के धर्मों से उसमें कोई विशेषता नहीं है। अथवा यदि यो कहो कि ज्ञान विशिष्ट धर्म ही अमृतत्व का साधन है तो यह नियम भी समस्त धर्म आश्रम धर्मों के लिए एक सा है। ऐसा कोई शास्त्र वाक्य भी नहीं है कि एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी को ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, औरों को नहीं। ज्ञान से मोक्ष होता है, यही संपूर्ण उपनिषदों का सिद्धांत है। अतः अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करने वाले में जो कोई भी ब्रह्मनिष्ठ होगा वही अमृतत्व को प्राप्त होगा। सिद्धांत ही ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के निमित्तभूत प्रत्यय और ज्ञानोत्पादक प्रत्ययों में परस्पर विरोध है। कर्ता आदि कारण क्रिया और फल के भेद से युक्त होना रूप निमित्त को लेकर ही ये करो और ये मत करो, इस प्रकार की कर्मविधियाँ का प्रवृत्त होती है और वह निमित्त शास्त्र का किया हुआ नहीं है, क्योंकि वह सभी प्राणियों में देखा जाता है। एक ही अद्वितीय सत्य है,
ये सब आत्मा ही है, ये सब ब्रह्म ही है, ये जो शास्त्र जनित विद्यारूप प्रत्यय हैं वह कर्म निमित्तक स्वाभाविक क्रिया कारण और फल भेद रूप प्रत्यय को नष्ट किए बिना उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि भेद और अभेद प्रत्ययों में परस्पर विरोध है। तिमिर रोग के नष्ट होने पर तिमिर रोग जनित द्विचंद्र दर्शनादि भेद प्रत्यय का नाश हुए बिना चंद्रादि के एकत्व की प्रतीति भी नहीं होती, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान की प्रतीतियों में परस्पर विरोध है। ऐसी अवस्था में जिस भेद प्रतीति को स्वीकार कर कर्मविधियाँ प्रवृत्त हुई है वह भेद प्रतीत प्रतीति जिसकी एक ही अद्वितीय सत्य है वही सत्य है, सत्य है। विकार रूप भेद मिथ्या है इत्यादि वाक्य प्रमाण जनित एकत्व प्रतीति के द्वारा नष्ट हो गई है। वही कर्मविधि के निमित्त की निवृत्ति हो जाने से संपूर्ण कर्मों से निवृत्त हो जाता है। वह कर्मों से निवृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्म संस्त कहा जाता है और वह परिवाजक ही हो सकता है, क्योंकि दूसरे के लिए ऐसा होना असंभव है। उससे भिन्न जिसकी वेद प्रतीति निवृत्त नहीं हुई है वह अन्य पदार्थों को देखता सुनता मानता और जानता है। ऐसा करते इसे प्राप्त करूंगा ये मानता है, ऐसा करने वाले उस पुरुष को ब्रह्मनिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचारण भरण मात्र विकारों में मिथ्या निवेश रूप प्रतीत करने वाला होता है। वह यह असत्य है। इस प्रकार भेद प्रतीति के बाधित हो जाने पर उसमें यह सत्य है। इससे मुझे ये कर्तव्य है ऐसी प्रमाण प्रमेय रूप बुद्धि होनी संभव नहीं है। जिस प्रकार की विवेकी पुरुष को आकाश में तलमल बुद्धि होनी, यदि भेद प्रतीति के नष्ट हो जाने पर भी बोधवान पुरुष भेद ज्ञान की निवृत्ति होने से पूर्व के समान कर्मों से निवृत्त नहीं होता तो वह मानो एकत्व विधायक वाक्य को अप्रमाणिक सिद्ध करता है। अभक्षण भक्ष का प्रतिषेध करने वाले वाक्यों की प्रमाणिकता के समान एकत्व प्रतिपादक वाक्यों की प्रमाणिकता भी उचित ही है, क्योंकि संपूर्ण उपनिषदे उसी का प्रतिपादन करने में तत्पर है। पूर्वा इस प्रकार तो कर्म विधियों की अप्रमाणिकता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। सिद्धांति नहीं, जिस पुरुष का भेद ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है उसके संबंध में उसकी प्रमाणिकता हो सकती है। जिस प्रकार की जागने से पूर्व स्वप्नादि का ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है पूर्वा, किंतु विवेकियों के न करने से तो कर्म विधि की प्रमाणिकता का उच्छेद मानना ही होगा। सिद्धांति नहीं, क्योंकि काम्य विधि का उच्छेद होता देखा नहीं गया। सकामता अच्छी नहीं है ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन पुरुषों द्वारा काम्य कर्म नहीं किए जाते, अतः काम्य कर्मों की विधियों का उच्छेद हो गया हो ऐसी बात देखने में नहीं आती, बल्कि उस समय भी सकाम पुरुषों द्वारा उसका अनुष्ठान किया ही जाता है। इस प्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया जाता तो उससे उसकी विधि का ही उच्छेद नहीं हो जाता। जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है उसके द्वारा उसका अनुष्ठान किया ही जाता है पूर्वा। जिस प्रकार सन्यासी लोग भिक्षाटन करते हैं उसी प्रकार जिन्हें एकत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया है उन गृहस्थियों के भी अग्निहोत्रादि कर्मों की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए यदि ऐसी शंका हो तो। सिद्धांति नहीं, क्योंकि प्रमाणिकता का विचार करने में पुरुषों की प्रवृत्ति दृष्टांत रूप नहीं हो सकती। अभिचार न करे इस प्रकार प्रतिसिद्ध होने पर भी किसी को अभिचार करते देखा है। इतने से ही जिसका शत्रु के प्रति द्वेष भाव भी नहीं है वह विवेकी पुरुष भी अभिचार करने लगे ये संभव नहीं है। इस प्रकार कर्म विधि की प्रवृत्ति के निमित्त भूत भेद प्रत्यय का बोध हो जाने पर बोधवान पुरुष को अग्निहोत्रादि कर्म में निवृत्त करने वाला कोई निमित्त नहीं है। जिस प्रकार की सन्यासी को भिक्षाटनादि में प्रवृत्त करने वाला क्षुधादित रूप निमित्त है पूर्वम, यहाँ भी नित्य कर्म न करने पर प्रत्यवाय होने का भय भी प्रवृत्त करने वाला है। यदि ऐसा माने तो
सिद्धांति नहीं, क्योंकि कर्मानुष्ठान का अभी अधिकारी भेद ज्ञानी है। जिसकी भेद बुद्धि ज्ञान से नष्ट नहीं हुई है वह भेद ज्ञानी ही कर्म का अधिकारी है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। इस प्रकार जो कर्म का अधिकारी है उसे ही उसके न करने पर प्रत्यवाय हो सकता है, जो उसके अधिकार से बाहर है उसे प्रत्यवाय नहीं हो सकता। इस प्रकार की ब्रह्मचारी के विशेष धर्म का अनुष्ठान न करने पर गृहस्थ को प्रत्यवाय नहीं हो सकता। पूर्वा इस प्रकार तो जिसे एकत्व का ज्ञान हो गया है वह कोई भी पुरुष अपने आश्रम में रहता हुआ ही परिवाज्य हो सकता है। सिद्धांत नहीं, क्योंकि उनकी स्वस्वात्मिक रूप भेद बुद्धि निवृत्त नहीं होती, क्योंकि अन्य आश्रम कर्मानुष्ठान के लिए है। जैसा कि स्त्री पुरुष की प्राप्ति के अंतर मैं कर्म करूंगा इस श्रुति से सिद्ध होता है, अतः स्वस्वामी भाव का अभाव हो जाने से एकमात्र भिक्षु ही परिवाट हो सकता है, गृहस्थादि अन्य आश्रम लंबी नहीं हो सकता। पूर्व एकत्व की प्रतीति कराने वाले विधि वाक्य से उत्पन्न एक ज्ञान द्वारा कर्म विधि निमित्तक भेद ज्ञान के निवृत्त हो जाने से तो सन्यासी को यम नियम आदि का पालन करना भी संभव नहीं है, अतः उसका स्वेच्छाचारी हो जाना बहुत संभव है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुधा आदि द्वारा एकत्व प्रयत्न से चित्त कर दिए जाने पर उसके द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उसका पालन किया जाना संभव है। इसके सिवा उसके द्वारा प्रतिषिद्ध कर्मों का सेवन किया जाता जाना भी संभव नहीं, क्योंकि उसका प्रतिषेध तो वह एकत्व ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व ही कर चुकता है। रात्रि के समय कुएं या कांटों में गिरे जाने वाला पुरुष सूर्योदय होने पर भी उन्हीं में नहीं गिर जाता, अतः सिद्ध होता है कि कर्मों से निवृत्त हुआ भिक्षुक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। तथा ये जो कहा कि संपूर्ण ज्ञान रहित पुरुषों को पुण्य लोक की प्राप्ति होती है सो ठीक ही है, परंतु ऐसा जो कहा कि तपह शब्द से सन्यासी का भी कथन है सो ठीक नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि परिव्राजक की ही ब्रह्मनिष्ठा होनी संभव है और वही पुण्यलोक को प्राप्त होने वालों में से बच रहता है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। क्योंकि एकत्व विज्ञानवान का तो अग्निहोत्रादि के समान तब भी निवृत्त हो ही जाता है। भेद बुद्धिमान में ही तप की कर्तव्यता भी रह सकती है, इससे अन्य आश्रम वालों को भी कर्मों से अवकाश मिलने पर ब्रह्म स्थिति के सार्थकता तथा उसके लिए ब्रह्मनिष्ठा की अधि अप्रतिषेध का भी निषेध कर दिया गया, तथा ज्ञान ही निवृत्त कर्म परिवाटक हो सकता है, इससे ज्ञान की निरर्थकता का भी खंडन कर दिया गया। तथा ऐसा जो कहा कि यवद और वराह आदि शब्दों के समान ब्रह्म संस्त शब्द परिवाजक में रूढ़ नहीं है, उसका भी परिहार कर दिया गया, क्योंकि उसी की ब्रह्मनिष्ठा होनी संभव है और किसी की नहीं। इसके सिवा वादी ने जो कहा है कि रूढ़ शब्द निमित्त को स्वीकार नहीं करता सो ऐसी बात नहीं, क्योंकि गृहस्थ तक्षा और परिवाजिकता शब्द देखे जाते हैं। गृह में एक रहना, पारिवाज्य सब कुछ त्याग कर चला जाना और तक्षण काष्ट छेदन आदि निमित्तों को स्वीकार करते हुए भी गृहस्थ और परिवाजक शब्द आश्रमी विषयों में और तक्षा शब्द जाति विशेष में रूढ़ देखे जाते हैं। ये गृहस्थादि शब्द यहाँ जहाँ वे निमित्त हैं वहीं वहीं प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म संस्थ शब्द की वृत्ति संपूर्ण कर्म और उसके साधनों से निवृत्त हुए एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस परिवाजक में ही होनी उचित है, क्योंकि उन्हीं को मुख्य अमृतत्व रूप फल की प्राप्ति सुनी गई है। अतः एकमात्र यही
वेदोक्त परिवाज्य है, यज्ञोपवीत त्रिदंड या कमंडलु आदि का ग्रहण करना मुख्य परिवाज्य नहीं है। इस विषय में मुंडित अपरिगृहिणी और संग ऐसी श्रुति है तथा अत्याश्रमियों को परम पवित्र ज्ञान का उपदेश किया। इस श्वेतास्तरीय श्रुति से और नई श्रुति नमस्कार इत्यादि श्रुतियों से एवं अतः पारदर्शी यति गण कर्म नहीं करते, इसलिए अलिंग धर्मज्ञ और अव्यक्त लिंग मतलब होकर विचरे इत्यादि श्रुतियों में भी यही बात सिद्ध होती है। क्रिया मतलब क्रिया कारण और फल रूप वेद बुद्धि का सत्य स्वीकार करने के कारण सांख्यवादी जो कर्म त्याग को स्वीकार करते हैं वह ठीक नहीं है तथा बुद्धों ने जो शून्यता को स्वीकार करने के कारण अकर्तृत्व को स्वीकार किया है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें उसका अकर्तृत्व स्वीकार करने वाले की भी सत्ता माननी होगी और बुद्ध लोग आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करते तथा अज्ञानी लोग जो आलस्यवश अकर्तृत्व स्वीकार कर लेते हैं वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमाण द्वारा उनकी कारण बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती। अतः वेदांत प्रमाण जनित एकत्व ज्ञानवान को ही कर्म निवृत्ति रूप पारिवाज्य और ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं, यह सिद्ध होता है। इससे गृहस्थ को भी एकत्व विज्ञान हो जाने पर पारिवाज्य यथार्थ सिद्ध हो जाता है, अर्थतः सिद्ध हो जाता है। यदि कहो कि परिवाजक होने से तो वह अग्नि परित्याग रूप दोष का भागी होगा, जैसा कि जो अग्नि का त्याग करता है वह देवताओं का पुत्र होता है। इस श्रुति से सिद्ध होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि विधाता द्वारा उच्छिन्न कर दिया जाने के कारण वह अग्नि एकत्व दर्शन होने पर स्वतः ही व्यक्त हो जाता है, जैसा कि अग्नि का अग्नित्व निवृत्त हो गया, ऐसी श्रुति से सिद्ध होता है। अतः परिवाजक होने से गृहस्थ दोष का भागी नहीं होता। त्रिविद्या और व्यातियों की उत्पत्ति, जिसमें स्थित हुआ पुरुष अमृत्व प्राप्त कर लेता है, उसका निरूपण करने के लिए श्रुति कहती है, प्रजापति ने लोकों के उद्देश्य से ध्यान रूप तप किया, उन अभितप्त लोकों से त्रिविद्या की उत्पत्ति हुई तथा उस अभितृप्त त्रय विद्या से भू भुवः और स्व अक्षर उत्पन्न हुए। प्रजापति अर्थात विराट या कश्यप जी ने लोकों के उद्देश्य से उनमें से सार ग्रहण करने की इच्छा से अभिताप किया, अर्थात ध्यान रूप तप किया। इस प्रकार अभितप्त हुए उन भूतों से उसकी सारभूता त्रय विद्या प्रादुर्भूत हुई। तात्पर्य यह है कि प्रजापति के मन में त्रय विद्या का अभी प्रतिभान हुआ। प्रजापति ने पूर्ववत उसके उद्देश्य से भी तप किया, उस अभितप्त त्रय विद्या से भू भुव और स्व एव व्याति रूप अक्षर उत्पन्न हुए, ओंकार की उत्पत्ति। फिर प्रजापति ने उन अक्षरों का आलोचन किया, उन आलोचित अक्षरों से ओंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार शंकुओं मतलब नसों द्वारा संपूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार ओंकार से संपूर्ण वाक व्याप्त है। ओमकार ही ये सब कुछ है, ओमकार ही ये सब कुछ है। फिर उनसे उन अक्षरों की आलोचना की, उन आलोचित अक्षरों से ओमकार उत्पन्न हुआ, वह ओमकार रूप ब्रह्म कैसा है, इस पर श्रुति कहती है, जिस प्रकार शंकु पत्ते की नसों से संपूर्ण पत्ते पत्तों के अवयव समूह अनुविध यथार्थ व्याप्त रहते हैं, इस प्रकार परमात्मा के प्रतीक भूत ओंकार रूप ब्रह्म द्वारा संपूर्ण वाक मतलब शब्द समूह व्याप्त है, जैसा कि अकार ही संपूर्ण वाक है, इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। जितना नाम ध्येय मात्र है वो सब परमात्मा का विकार है, अतः तो ये सब ओंकारी है, विरुक्ति आदर के लिए है तथा लोकादि को प्राप्त करना आदि जो कहा गया है वह ओंकार की स्तुति के लिए है। इति छंदोपनिषद द्वितीयाध्याय त्रयोविंश खंड भाष्य संपूर्णम्।